वाटर टैंक। सबसे पहले चारों तरफ से मेन बार को एल आकार में बेंड करके खड़ा करें। यह बार वाटर टैंक का बाहरी हिस्सा होते हैं। इसी प्रकार राफ्ट की बॉटम की जाली तैयार करते हैं। वाटर टैंक के अंदरूनी हिस्से के ढांचे का मेन बार इस प्रकार बेंड किया जाता है। इसकी वजह यह है कि इस प्रकार बेंड करने से यह बार पानी का बोझ आसानी से संभालता है। इसी बार के जरिए टैंक को अंदरूनी हिस्से के साथ साथ राफ्ट के टॉप की जाली बनाई जाती है। इस जाली के सभी बार सेंटर टू सेंटर बांधे जाते हैं। राफ्ट चेयर। राफ्ट के बॉटम की जाली और टॉप की जाली पानी के दबाव अथवा कंक्रीट के भरते समय दब ना जाएं, इसलिए राफ्ट चेयर का उपयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर टैंक में डिस्ट्रीब्यूशन की बांधी सेंटर टू सेंटर करें। स्पेसर। वाटर टैंक के बाहर और अंदर के मेन बार की दूरी कायम रखने के लिए स्पेसर का उपयोग किया जाता है। इससे दोनों बार एक दूसरे से कभी भी नहीं जुड़ते। चैम्पर। चैम्पर का बार राफ्ट की बॉटम जाली से निकलकर 45 डिग्री में वाटर टैंक के बाहरी हिस्से के बार से जोड़ा जाता है। दूसरा चैम्पर वाटर टैंक के खड़े कोने से मतलब वर्टिकल रूप में सेंटर टू सेंटर बांधा जाता है। वह दोनों बाजू में 45 डिग्री में बाहरी हिस्से में बांधा जाता है। चैम्पर के 45 डिग्री के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूशन बार की बांधी की जाती है। चैम्पर के कारण पानी का दबाव कोने पर नहीं जाता, जिससे टैंक फटने अथवा उसमें क्रैक जाने की संभावना नहीं होती। वाटर टैंक का टॉप स्लैब। वाटर टैंक के बाहरी हिस्से के ऊपर के बार एल आकार में बेंड करके L/4 अथवा L/3 में छोड़े जाते हैं। यह वाटर टैंक के स्लैब की टॉप की जाली होती है। उसी के नीचे एक मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार से जाली बनाई जाती है। इसी स्लैब में टैंक की सफाई के लिए मेन होल रखा जाता है। धन्यवाद।